हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। डेली जीके डोज के अंदर ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आज भी हम डेली की तरह कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप मेरे साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट भी कर सकते हो। डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपको आंसर याद है तो मेरे आंसर सुनने से पहले आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है। हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, उसमें से एक लक्षद्वीप भी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है वो आपको बतानी है। तो वो क्या है राजधानी? कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। और दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 4 बता दिए। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वो भी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जनसंख्या में भी और एरिया में भी। उसकी राजधानी है कवरत्ती। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से है दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है दिल्ली, जो हमारी नेशनल कैपिटल भी है। और चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। ओके, तो यहाँ से 4-5 जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको सारे याद रखने हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो वो है भाग नंबर 8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो ये एक मेले का नाम है, ये भारत के किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और बद्रीनाथ और केदारनाथ ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान घाट किसकी समाधि का नाम है? पहले भी मैंने आपको 2 समाधियां कराई थी। एक मैंने आपको बताया था राजघाट, राजघाट किसकी समाधि का नाम था? महात्मा गांधी का। एक कराया था विजय घाट, विजय घाट था लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम। तो ये किसान घाट किसकी समाधि का नाम है? चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है किसान घाट। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है? हमारी हिसार के अंदर है। ठीक है, जो कि एक हरियाणा का जिला है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। इसके लेखक का नाम है बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन। और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के ऊपर ही ये पूरी की पूरी बुक लिखी थी, उसके अंदर सारी डिटेल हर्षवर्धन के बारे में बताई गई है। तो बुक का नाम है हर्षचरित और लेखक का नाम है बाणभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरीहादेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये एक मंदिर का नाम है, ये बताना है आपको कहाँ पर है। तो ये है तमिलनाडु के अंदर, यानी कि तंजौर में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, सीएम है इदापड़ी पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा के अंदर है और इसका नाम बदलकर रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये याद रखना, इसका नया नाम क्या है। और व्हीलर द्वीप है कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। मैं कैपिटल, सीएम और गवर्नर हर स्टेट के साथ बताती हूँ। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो तो इनको नोट कर लो, वरना आप डेली सुन सकते हो वीडियो, उससे भी आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है, पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है, डेली हम एक एक भाग डिस्कस कर रहे हैं। तो पंचायत का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 9 के अंदर। ठीक है, भाग नंबर 5 में उल्लेख था संघ का, भाग नंबर 6 में था राज्य का, 7 तो समाप्त कर दिया गया है, 8 में था केंद्र शासित प्रदेश का और 9 में किसका है? पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है? तो वॉशिंगटन डीसी है पोटामैक नदी के किनारे। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। अभी पहले मैंने पीछे कौन कौन से करा दिए आपको? लंदन। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। पेरिस है सीन नदी के किनारे। बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे। और भी जितने मैंने आपको कराए हैं वो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। जैसे रोम है टाइबर नदी के किनारे। अब याद रखो वॉशिंगटन डीसी ये है पोटामैक नदी के किनारे और ये है अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिका की डॉलर। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन
उन्हीं के नाम पर ही वॉशिंगटन डीसी का नाम रखा गया था। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन याद रखना आप यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका किस कंपनी को दिया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री है। भारत के लोह पुरुष भी उन्हीं को कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई थी और 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस कंपनी का डिजाइन तैयार किया था राम सुतार ने, और इस कंपनी को बनाया किसने था, इसका ठेका किसे दिया गया था? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को इस स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का ठेका दिया गया था। नेक्स्ट है, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब आता है? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को, आपके अगर स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके, तो उसके अंदर वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।